anywhere and don't feel, you know, hesitation, and don't, he will not beat you and he will tell something special. One thing, please clap for your teacher. Saki Saki Re Saki Saki Re, मतलब मजा आ गया हाँ सुन के, क्योंकि सुन सुन हूँ एक पागल, मुझे पागलपन में निखरना भी आता है, तो मैं एक्चुअली किसी चीज का मौका देता ही नहीं, अगर मेरे साथ कोई गलती भी हो जाती है उसमें भी शायरी बना देता हूँ, यही होती है उसे लोगों की पहचान। यूज नहीं किया, उसी में बोल सकते जिसमें मुकेश सर बोल रहे हैं, अब इसमें बोल रहे हैं। ओके, तो फिर से एक बार आए, अभी आप लोगों का एक सेशन चलेगा, सेशन में जैसे आप कुछ अपने क्वेश्चंस रखेंगे, प्रश्न रखेंगे, जिसका जवाब देंगे, फिर हम लोग आपको एंटरटेन करेंगे, मतलब आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। नहीं, भूख भी लगी है? भूख नहीं लगी है ना? एक दिन यार रोजा रह जाओ, मतलब व्रत रह जाओ, क्या दिक्कत है यार लोग। चलो एक पहले मैं गाना सुना दूं। थोड़ा थोड़ा गुमसुम है, थोड़ी थोड़ी साफ है बातें, थोड़ी थोड़ी उलझन है, थोड़ा थोड़ा शोर है दिल में, थोड़ा थोड़ा गुमसुम है, थोड़ी थोड़ी साफ है बातें, थोड़ी थोड़ी उलझन है। माहे रूदे सुकून कर, मेरी चाहत कबूल कर, कबूल दे सुकून। माहे रो तुमसे मिला तो यूं लगा, खुद से हुआ हूँ मैं रूबरू, मेरे प्यार की हर दास्ता तुझ पे खत्म, तुझसे शुरू। उसके बाद पता नहीं क्या है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, आजा मेरे टाटी टाटे टे, तोड़ो डोर रे 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 रे। तो कोई बात नहीं, बातें बनाना बहुत जरूरी आनी चाहिए, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ना स्पीकिंग के, बोलने की, अब बात देखो, बात करने ज्यादा बात बनाने आनी चाहिए, और पता है ना, और खासकर अगर औरतें बात बनाना ना जाने तो सास बहू ननद देवरानी जेठानी वाला मामला कैसे चलेगा, उनको बात बनाने बहुत आती है। ओके, एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने ऐसे रास्ते पे एक पत्थर बहुत बड़ा सा रख दिया, तो वहां पे बहुत सारे लोग आते गए जाते गए, कोई पत्थर हटाए नहीं। एक सब्जी वाला आदमी आ रहा था, सब्जी लेके पत्थर देखा तो सोचा कि चलो इसको हटा देते हैं, तो पत्थर बहुत ज्यादा जोर लगाया, हिम्मत लगाया, ताकत लगाया, दशरथ मांझी की तरह वो हटा दिया पत्थर। जब पत्थर हटाया जाने लगा तो देखा उस पत्थर के नीचे एक पर्स, एक वैलेट रखा हुआ था, उसमें कुछ गोल्ड कॉइन्स थे और सिल्वर कॉइन्स थे, चांदी और सोने के सिक्के थे, तो उसमें लिखा हुआ था एक पर्ची पे कि जो पत्थर हटाया उसी का ये है, तो सब्जी वाले ने ले लिया। इसका मतलब जिंदगी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन आप क्या करते हो, लेजी हो जाते हो, सुस्त हो जाते हो। बहुत सारे लोगों ने उस पत्थर के पास से गए, लेकिन किसी ने हटाया नहीं, वो सब्जी वाला हटा दिया और सब्जी से डायरेक्ट सोने वाला हो गया, चांदी वाला हो गया। इसका मतलब कभी भी आपकी किस्मत मौका दे सकती है। चश्मिशगन मतलब चश्मा आप लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे चश्मा लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग हैं, थोड़ा हाथ उठाइएगा, जो 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 लगाए हैं डॉक्टर वाला, डॉक्टर वाला कितने लोग लगाए हैं, एक दो। मैं जब शुरू शुरू में मतलब देखता था किसी चश्मा लगाने वाले को ना, सोचता था ये बड़े चीनियस है भाई, पढ़ने लिखने वाला, ऐसा लगता था ना पहले, कोई चश्मा लगा के आती थी या आता था, अरे यार बड़ा पढ़ा लिखा होगा कसम से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, इतना दिमाग इस्तेमाल करते हैं तभी तो उनका दिमाग खराब, मतलब आंखें खराब होती है, ठीक है, इसका मतलब ऐसा होता है। ये तो चलिए एक प्रैक्टिकल और हम करते हैं, थोड़ा देखेंगे लाइफ में, ये सर जी जीतू सर एक गुब्बारा आप फुलाइएगा, मंसूर सर एक गुब्बारा आप फुलाइएगा, एक आप मुझे फुला के दीजिएगा दोनों। देखिए गुब्बारा फुला रहे कुछ, देखिए अभी सीख मिलेगी, थोड़ा देखिएगा, फुला लेंगे ना गुब्बारा, हाँ यस कम ऑन यस, इसमें जितनी हवा जा रही है, जितनी हवा जा रही है फुलता जा रहा है, और फुलाओ यार, क्या और फुलाओ,
अच्छा लाइए दीजिए. आर यू लुकिंग दिस, देख रहे हैं इसको? गुब्बारा है ना, गुब्बारा है कि नहीं? नॉर्मल है, अगर मैं इसको छोड़ू फिर भी उड़ेगा नहीं? नहीं उड़ेगा, उड़ेगा नहीं, ऐसे आके उड़ेगा, गिर जाएगा. अगर मैं इसमें हीलियम गैस भर दूं उड़ेगा? उसी तरह से आपकी जिंदगी होती है, अगर आप इसी तरह से सुस्त नॉर्मल हवा वाले हो, नॉर्मल सुस्त हो एकदम, तो आप उड़ नहीं पाओगे, एनर्जी आपके पास नहीं आएगी. लेकिन अगर आप अपने अंदर एनर्जी दोगे तो आप इस गुब्बारे की तरह, इसकी तरह नहीं, अगले वाले की तरह, दूसरे वाले की तरह आप उड़ सकते हो जिंदगी में. लेकिन इसको को मंसूर सर और फुलाइए, इसको और फुलाइए, फोड़ दीजिए इसको, इसको इतना फुलाइए कि फूट जाए, आपकी आंखों में लगे ना, बस फुलाते रहिए. खड़े हो, कम ऑन, यस 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 यस. इसका लगी नहीं आपको ना, बैठिए. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मंडी लड़की. और इसमें कितने लोग करते हैं घमंड? एक दो और अजय, केजीएफ वाली दाढ़ी रखे तभी घमंड कर रहे हैं, मेरे जैसी दाढ़ी किसी के पास नहीं. ओहो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए, ये तो मजाक कर रहे हैं. खैर सोच रहे कि हमारा भी फोटो इस कैमरे में आ जाए, पता है मुझे एक्चुअली. और ठीक है, जब अपनी वीडियो देखेंगे ना मेरे यूट्यूब चैनल पे, सब लोग सब्सक्राइब किए हो कि नहीं? सब्सक्राइब किए हो ना. चलिए अब आप लोग के पास एक 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 लोगों के पास बताइए आप क्या बदलाव आएगा आपकी जिंदगी में. प्रोग्रेस करेंगे आप भी, आप तो बड़ी सुस्त हैं, थोड़ा और प्रोग्रेस करिए. पहले पहले लेजीनेस को हटाइए अपने, आप पूरी एनर्जी से काम करेंगे, आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे. आप सभी हेलो अच्छा, वो सीटी उसका भी मन कर रहा है थोड़ा सीटी मारने का. तो ठीक है सर, क्वेश्चन सबसे पहले हम लड़कियों की लाइन में, हाँ ठीक है, तो कौन अपना क्वेश्चन रखना चाहता है, कोई भी क्वेश्चन? सबसे पहले मैं बता दूं क्वेश्चन का आइडिया क्या होगा, कोई भी आप क्वेश्चन रख सकते हैं. आप अगर आपके पास पढ़ाई से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं. तो मैं जो हाथ ऐसे करेगा उसके माइक में लेकर के आऊंगा, ठीक है? तो और इसके लिए मार और मत खेलना, अरे हम पूछ बे हटा जिसको. अच्छा आपको आ रहे हैं. How to increase our confidence? Because I am so complicated that question. This is very special question. See that इन्होंने सवाल किया है कि अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? हमसे ये तो हमारे लिए बड़ा शोभा दे रहा है सवाल, कहे कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है. हम ये सोच रहे हैं कि हमारे अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस बड़ा मजेदार है, धमाकेदार है. क्योंकि देखो लाइफ में होता क्या है, जैसे आप कोई काम करने जाते हो तो उसका जो आप रिजल्ट ना पहले ही सोच लेते हो, कॉन्फिडेंस खत्म. क्योंकि वो फिर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो प्रेशर हो जाएगा. आप ध्यान दीजिएगा, आप एग्जाम, आप देखो मैं भी एग्जाम में जब जाता था प्रेशर रहता था, 70 पाऊंगा या 65 पाऊंगा, प्रेशर रहता है. कभी भी आप जब जाओ कोई काम करने, रिएक्शन के बारे में मत सोचो. जब मैं यहाँ से वो गाड़ी लेके गए थे, मुझे लेके आ रहे थे, बड़ा माल वाला फेंका जाता था, मुझे नहीं लगा, मैंने सोचा कुछ लोग नए लोग भी बैठे हैं. अगर मैं पहले डर जाता, पहली हताश हो जाता कि यार जो नए लोग हैं मेरे इंस्टीट्यूट वाले तो मुझे झेल लेंगे, मुझे सुन लेंगे, नए लोग मुझे नहीं सुन पाएंगे. मैंने पहले आप लोगों के बारे में सोच लिया कि मेरे बारे में आप क्या सोचेंगे, इसका मतलब कि मैं फेल हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा. नेवर थिंक अबाउट द रिएक्शन, व्हाट द पीपल विल गिव यू, थिंक अबाउट योर एक्शन. अपने एक्शन के बारे में सोचो और 1 2 3 का 4, 4 2 का 1 मतलब करके माय नेम इज लखन करके करो स्टार्ट. थैंक यू सो मच. एक लड़के की तरफ जाएंगे, लड़कों की तरफ जाएंगे. अंकुश सर पहले. थैंक यू सर, माय क्वेश्चन इज दैट एक्चुअली एवरीबॉडी इज फैमिलियर विद द नॉलेज एंड एवरीबॉडी नो अबाउट द नॉलेज, बट व्हाई वी डोंट बिलीव ऑन द एजुकेशन. एक्चुअली इवन वी आल्सो नो दैट बाय द एजुकेशन व्हाट एवर वी वांट दैट वी कैन डू इन आवर लाइफ, बट व्हाई वी डोंट बिलीव आवरसेल्फ बाय द एजुकेशन वी कैन डू दिस. दैट्स नाइस क्वेश्चन दैट व्हाई वी नो दैट एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल फॉर आवर लाइव्स, फॉर आवर गोल्स, but we don't understand that, we fail. हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा बड़ी चीज मालूम क्या, हम डायरेक्टली बेनिफिट चाहते हैं.
अभी आज सेमिनार में आए, आज कुछ मिलेगा कि नहीं, समोसा आया है कि नहीं, मिठाई आई, आप लोग डायरेक्टली सोचते इसे कुछ सेमिनारों से झपट ले। अब्दुल्ला साहब का रामबाण बता दे, का इंजेक्शन लगा दे कि जल्दी से हम बहुत बड़े स्पीकर बन जाए, टारगेट को पा ले, नॉट लाइक दैट, इस तरह सोने वाला नहीं। अब्दुल्ला जब कोचिंग शुरू किए थे, थोड़ा समय कोचिंग शुरू किए थे तो तीन लड़के आते थे, नहीं सुनते थे, आज कोचिंग में भी बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, आप लोग जान भी रहे हैं, आप लोग सुन भी रहे हैं, यूट्यूब पे भी लोग सुन रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप कभी भी डायरेक्ट बेनिफिट्स के बारे में मत सोचो, और एक डायरेक्ट बेनिफिट्स के बारे में आप जब सोचोगे आपको कभी भी बेनिफिट लाइफ में नहीं मिलेगा, ठीक है। जल्दी से इसे कूदे, सेब अनार केला सब गिरने लगे और खा के हम मुस्कुरा के हेल्दी हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। हमें ये मैसेज सबको देना है कि एजुकेशन टेक्स टाइम एंड सक्सेस आल्सो टेक्स टाइम, शिक्षा भी समय लेती है और सफलता भी समय लेती है, तब जाके मिलती है, उसमें आपको सारी चीजें झेलनी पड़ेगी दोस्त, सबको यही मैसेज देना है। अच्छा हरे What's your name, man? My name is Akram. Akram. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, guys. My question is that, as sir Abdullah sir told us, only you can change the world, and only you can who understood what you want and what you achieve in your life. I'm asking this. If a person who is preparing of IAS, PCS, and MBBS, and they are, suppose that they are physical disability, and they also know about, they cannot achieve your goal without any source, suppose that your father and your school money problem, they cannot, without money they cannot achieve your goal, and they are physical disability. So how can achieve your goal by own? Arunima Sinha ka pair kat gaya tha, एपीजे अब्दुल कलाम बहुत गरीब थे, न्यूज पेपर बेचा करते थे, सुभाष हलवाई यहाँ के आजमगढ़ के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वो एक पैर से विकलांग थे, विकलांगता हमें रोक पाएगी क्या? नहीं रोक पाएगी। they have background. सुभाष हलवाई is a rich person. एपीजे अब्दुल कलाम? I don't know एपीजे अब्दुल कलाम because you don't know. This is I know, but I don't know about his background. So you must know. You must read his biography. उनकी बायोग्राफी पढ़ो, उनकी जीवनी पढ़ो, इन लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे आपको एनर्जी मिलेगी। एक्चुअली आपको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए मालूम है, कि हमारे पास एक प्रॉपर गाड़ी हो, प्रॉपर कपड़े हो, प्रॉपर मोबाइल फोन हो, जब मैं कॉलेज जाऊं तो इतनी सारी लेके जाऊं, 2 लाख साथ में लेके जाऊं, 2 रुपए से भी स्कूल जा सकते हो, 2 रुपए भी जेब में रख के ले सकते हो अगर आप सोचो तो, और 2 लाख में भी आप सफलता को नहीं पाओगे अगर आप सोचो तो। इसका मतलब कि हर आदमी सफल नहीं होता मटेरियलिस्टिक स्ट्रांग होने से। आपके पास बंगला, आपके पास गाड़ी है, इसका मतलब आप नहीं कि स्ट्रांग हो जाओगे, जब तक आप यहाँ से स्ट्रांग नहीं होगे मेहनत नहीं करोगे। That's what. Yes, sir, आप शायद मेरे में अच्छी तरह से जानते हैं। थैंक यू सर फॉर गिविंग दैट एग्जांपल ऑफ एमजी एंड थैंक यू सो मच। एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसा दुनिया में इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि क्या मैं बताऊँ, उनका एग्जाम्पल दे दिया, उनसे आगे क्या बताऊँ आप, क्योंकि उन्होंने हमने हमें बताया। हाई शर्माने वाली कोई बात नहीं कर रही, अंग्रेजी बोल रहे हैं हम, क्या करें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपकी आवाज भी आपको बनानी पड़ेगी, यहाँ पर टीचर चल के आ गई है, ऐसे नहीं आएगी लेकिन आपको जाना पड़ेगा, बिल्कुल आपको चलना चलता है, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून गाइस। My question is that, sir, everybody says that you want to become like you, like Gandhi or like any scientist, any ideal. So why are everybody not said you want to become as one? Why, sir? That's great. Actually, हमारे मोड में ना, मैंने जैसे बताया था, शैतान चलता रहता है। हम जैसे तुझे देखा तो ये जाना सनम। अब जैसे शाहरुख खान का मतलब एक तरफों वाला गाना देखें, क्या है कमरे में करने लगे, ठीक है हम बदल गए, अपना मूड बदल लिया। जैसे हमने देखा कि सामने वाला सचिन तेंदुलकर छक्का उठा के मारा, हम तुरंत बैट उठाए, चलो यार मैदान में आ चलते हैं। हमारी जो मूड है ना, ये मूड आज भाई मूड बना ले, मूड बनता ही नहीं। हम क्या सोचते हैं, छोटी छोटी चीजें सोचते रहते हैं, इसलिए शाहरुख की तरह बनने में, इनकी तरह बनने में, उनकी तरह बनने में हम किसी की तरह नहीं बन पाते और अपनी भी अंदर की पहचान को छोड़ देते हैं। मैं ये कभी नहीं कहता कि बी लाइक मी मोहम्मद अब्दुल्ला की तरह बनने की कोशिश करो, मोहम्मद अब्दुल्ला से चीजें चुरा लो और अपनी तरह बनो, क्योंकि जो तुम हो आपको अपना नाम करना है, किसी का नाम नहीं करना है। Thank
बिलीव कैन बी इंक्रीज यू हैव टू थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कि आपको सोचना है कि जो आप दुनिया को बता रहे हो, दुनिया को जो जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या उसका इम्पैक्ट होने वाला क्या है। फालतू की चीजें जब आप करोगे तो आपका बिलीफ धीरे 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 आपका डाउन होता जाएगा। जब आप इंपॉर्टेंट चीजें करोगे तो आपका बिलीफ धीरे 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 बढ़ता जाएगा। इसका मतलब आपको लोगों के लिए वो चीज करनी है जो लोग पसंद करें, ना कि लोगों के लिए वो चीज करो जो आप पसंद करो। जब तक आप जब लोगों का आप बिलीफ जीत लोगे ना, ऑटोमेटिक आपके अंदर इतना बिलीफ आएगा, इतना बिलीफ आएगा, इतना बिलीफ आएगा जो कोक मारने से भी नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। Actually, sir, my question is that suppose that it is the last day of my life, then what I should do that would be the good presentation for my parents, for my friends, for my relations. Oh, that's great. अगर जिंदगी का last दिन है तो हमें क्या करना चाहिए? Last दिन में सबको जुटाओ, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, अरे last दिन target के बारे में मत सोचो मेरे दोस्त। लास्ट दिन अचीवमेंट्स के बारे में ना सोचो, क्योंकि आप बंगला बना के सामने आपको निकलना है ऊपर। तो वो चीज करो जो आपको खुश, आपकी रूह को, आपकी आत्मा को खुशी पहुंचा पाए, और आपके परिवार की आत्मा को खुशी पहुंचा पाए, और आपके दोस्त की आत्मा को खुशी पहुंचाए। इसका मतलब आपको सबके साथ खुश होना है, खेलना है, मनोरंजन करना है, और सबसे प्यार करना है। बस यही लास्ट दिन, और कोई अचीवमेंट कोई सक्सेस नहीं। व्हाट इज द बेस्ट वन मोटिवेटिंग वन लाइनर? बेस्ट मोटिवेशन वन लाइनर, यू आर यूनिक। सबसे बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में अगर मैं समझता हूँ कि सेंटेंस है यू आर यूनिक, आप अनोखे, मेरा एक सेंटेंस का यही मोटिवेशन है। मेरा कहने का मतलब, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ ना, एक चीज जिंदगी में बहुत ज्यादा खराब लगती है, मैंने पिछले सेशन में बताया था, उसकी बात अलग है। सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ मैं एक सेंटेंस से, उसकी बात अलग है। क्या उसकी बात अलग है यार? वैसे मैं कहने जा रहा था घंटा, लेकिन कहा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कह दिया। तो कहने का मतलब कि क्या उसकी बात अलग है? इट इज नॉट लाइक दैट उसकी बात अलग है। किसकी बात अलग है दुनिया में? किसी की बात अलग नहीं है। मेरा मोटिवेशन है यू आर यूनिक, आप अनोखे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, घड़ी का टाइम मत देखना, कह रहे गुड मॉर्निंग बोल दी, गुड आफ्टरनून क्यों नहीं बोली? ये सब पिछली सोच छोड़ो आप। अरे 12 बज गए, गुड मॉर्निंग बोल लेंगे, ऐसा मत। हाउ टू रिमूव हेजिटेशन? द फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक वाज अबाउट कॉन्फिडेंस। द कॉन्फिडेंस व्हेन यू गेन, योर हेजिटेशन इज रिमूव। हेजिटेशन तभी होता है जब आप सिचुएशन के बारे में सोचते हो, सिचुएशन के बारे में सोचना बंद करो, दैट्स ऑल, हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। वे आप माइक लियो ना, इतने लोग बैठे ना, डर अंदर से लग रही है, नहीं यही तो है हेजिटेशन। छोड़ दो ये लोग क्या सोच रहे हैं, बोलो कुछ अपना। सबके साथ होता है कि जब आप स्टेज पे जाते हो आप भूल जाते हो, भूलते क्यों? अब जब मतलब शादी होती है, मालूम है शादी, तब दूल्हा बैठता है, अमीन सुन्नती निकाह, अमीन सुन्नती निकाह कबूल है, तो चार बार पहले सोचता है कैसे कबूल करूं, हेजिटेशन होता है। अब कबूल कर लू और पता कैसे कोई मोटी ताजी आ गई, ठीक है। तो दिक्कत मतलब कि आप सोचते क्या होगा, आप सिचुएशन के बारे में सोचते हो कि आप आगे का सोच रहे हो कि आगे मेरे साथ होने वाला क्या है, तभी आप घबरा जाते हो। आगे के आने वाले चाहे मोटी है चाहे पतली है, कबूल तो कर रहे हैं आपको सिचुएशन में, ठीक है। आपको मंत्र उतनी टाइम पढ़ना ही है, इसका मतलब सिचुएशन के बारे में, आगे के बारे में सोचो, तुरंत करो, योर हेजिटेशन विल बी गॉन। ऑलराइट, थैंक यू। Thank you.